गुरुकुल ऑफ छोटा नागपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टेंसेस पर एक लेसन करेंगे। जोहार ओलगी, गुरुकुल ऑफ छोटा नागपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप कुड़ुक भाषा बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो ये चैनल बिल्कुल ही आप लोगों के लिए बना है। इस चैनल में आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे पहला फायदा, ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आप एक साथ तीन तीन भाषा सीख सकते हैं। दूसरा, जेटेट और जेपीएससी में आपको मदद मिलेगी। और तीसरा, आप कुड़ुक संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आज हम लोग टेंसेस के ऊपर एक लेसन करेंगे जिसके बाद आप आसानी से कुड़ुक भाषा बोल सकेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। टेंसेस हिंदी में काल और कुड़ुक में परिया। टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसी प्रकार कुड़ुक में राणा परिया, केरका परिया और बरना परिया। तो इस वीडियो पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल कुड़ुक में सुहरा रहना परिया के ऊपर हम लोग लेसन करेंगे। तो जल्दी से हम लोग इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार हिंदी में सामान्य वर्तमान काल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसी प्रकार कुड़ुक में भी हम लोग का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब जल्दी से हम लोग इंग्लिश हिंदी और कुड़ुक में सब्जेक्ट क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश में पहला है आई, हिंदी में मैं और कुड़ुक में एन। सेकंड वी, हिंदी में हम लोग और कुड़ुक में एम और नाम। तीसरा यू, हिंदी में तुम और कुड़ुक में नीम। चौथा यू, हिंदी में तुम लोग और कुड़ुक में नीम। पांचवा इंग्लिश में ही, हिंदी में वह और कुड़ुक में आस। छठवा इंग्लिश में सी, हिंदी में वह और कुड़ुक में आद। सातवा इंग्लिश में इट, हिंदी में वह और कुड़ुक में आद। आठवा इंग्लिश में दे, हिंदी में वे और कुड़ुक में आर। तो ये सारा सब्जेक्ट्स हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए यूज करेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के साथ हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक वर्ब लिया है गो, जिसका मतलब हिंदी में जाना होता है और कुड़ुक में काना होता है। और एक ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में मैंने स्कूल लिया है, हिंदी में विद्यालय और कुड़ुक में लूरकुड़िया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग मिला के इसका सेंटेंस बनाते हैं। इस लेसन के अंत में मैं ऐसे पांच कुड़ुक शब्द दूंगा जिससे आप
प्रयोग करके आसानी से कुडुख भाषा बोल सकते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके सेंटेंस बनाते हैं। इंग्लिश में आई गो टू स्कूल को हम लोग हिंदी में मैं विद्यालय जाता हूँ होता है, और कुडुख में एन लूर कुड़िया कादन होता है। दूसरा, वी गो टू स्कूल को हम लोग हिंदी में हम लोग स्कूल या तो विद्यालय जाते हैं, और कुडुख में कहेंगे एन लूर कुड़िया कादम। तीसरा, इंग्लिश में यू गो टू स्कूल, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तुम विद्यालय जाते हो, और कुडुख में कहेंगे नीन लूर कुड़िया कादाय। चौथा, यू गो टू स्कूल, हिंदी में इसको कहेंगे तुम लोग विद्यालय जाते हो, और कुडुख में कहेंगे नीम लूर कुड़िया कादार। पांचवा, ही गोज टू स्कूल, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे वह विद्यालय जाता है, और कुडुख में कहेंगे आस लूर कुड़िया कादास। छठवा, इंग्लिश में सी गोज टू स्कूल, हिंदी में इसको कहेंगे वह स्कूल जाती है, और कुडुख में कहेंगे आद लूर कुड़िया काली। सातवा, इंग्लिश में इट गोज टू स्कूल, हिंदी में कहेंगे वह स्कूल जाती है, और कुडुख में कहेंगे आद लूर कुड़िया काली। आठवा, इंग्लिश में दे गो टू स्कूल, और हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे वे लोग विद्यालय जाते हैं, और कुडुख में कहेंगे आर लूर कुड़िया कानार। तो इस प्रकार से आप आसानी से एक भाषा को अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं। सोचता हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर।